नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास ने निगम के अधिकारियों की मैराथन बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने टैक्स वसूली को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने निर्देश दिए कि टैक्स वसूली के लिए अधिकृत की गई SPS एजेंसी के द्वारा किए जा रहे सर्वे की रिपोर्ट जोन आयुक्त को प्रदान किया जाए तथा इस रिपोर्ट के मुताबिक जोन आयुक्त फील्ड में रिपोर्ट को क्रॉस चेक करें। आयुक्त ने इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा भी की, जिसमें मुख्यमंत्री मितान योजना, गोधन न्याय योजना, गौठान में रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी, सड़क डामरीकरण, मरम्मत एवं संधारण की जोनवार जानकारी, वेंडिंग जोन की प्रगति, घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति, आधार कार्ड अपडेशन की जानकारी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मापदंडों के अनुरूप किए जाने वाले कार्यों की जानकारी, नियमितीकरण की जानकारी, स्कूल मरम्मत एवं संधारण के कार्यों की जानकारी, बेरोजगारी भत्ता, सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय का मरम्मत एवं संधारण की विस्तृत समीक्षा की। देखिए माननीय आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा बैठक ली गई थी, आला अधिकारी उसमें उपस्थित थे और टैक्स कलेक्शन को लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जो SPS कंपनी जो नई एजेंसी आई है, जो सर्वे किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट है उसकी क्रॉस चेकिंग करें, उसके आधार पर नोटिस की कार्रवाई करें और अग्रिम कार्रवाई करें और टैक्स कलेक्शन में तेजी लाएँ। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं और फ्लैगशिप स्कीम है, गोधन न्याय योजना है, मुख्यमंत्री मितान योजना है, नियमितीकरण है और इस प्रकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उस पर लेकर के माननीय आयुक्त महोदय ने जोरवार समीक्षा की है और समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों के जो प्रगति लाना है उसके निर्देश दिए हैं और मॉनिटरिंग करके जो कमी है उसको सुधारने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो वेंडिंग जोन है और मार्केट क्षेत्र में लाइटिंग है, CCTV कैमरे लगाने काम है, स्मार्ट टॉयलेट है, वर्टिकल गार्डन है, प्लांटेशन है, इन सब को लेकर के वृहद रूप से माननीय आयुक्त महोदय ने अधिकारियों की समीक्षा ली है और निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने सभी योजनाओं में प्रगति लाने तथा महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।